नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का इंडस्ट्री में करियर सिर्फ 5 साल का है, लेकिन वो काफी पॉपुलर हो गई हैं। सारा अली खान ने अपने छोटे से करियर में कुछ ही फिल्में की हैं और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसके साथ ही वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट से भी लोगों का दिल जीतती रहती हैं। सारा अली खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात की है और बताया साल 2020 उनके लिए काफी बुरा साल रहा। इसके अलावा उन्होंने अपने से जुड़े कई मुद्दों पर भी बात की है। सारा अली खान ने यूट्यूबर रणवीर अलाबादिया के साथ एक पॉडकास्ट में बात की है। इस दौरान सारा अली खान ने अपने ब्रेकअप पर बात करते हुए बताया साल 2020 काफी खराब होता चला गया। साल की शुरुआत में ही उनके ब्रेकअप हुआ और चीजें बिगड़ती चली गई। ये बहुत बुरा साल था और इसका ज्यादा हिस्सा इंटरनेट पर मौजूद है। सारा अली खान ने ट्रोलिंग को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया, कभी कभी आप जानते हैं कि आप ट्रोलिंग के लायक हैं या जब कुछ सच में खराब है, लेकिन ट्रोल से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका दिल टूट गया है, दुखी है, थके हैं, डरे हैं, घबराए हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आप खुद इतना परेशान है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा अली खान ने करियर के लिहाज से भी साल 2020 ठीक नहीं रहा है। उनकी फिल्में लव आजकल और फिल्म कूली नंबर 1 भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। गौरतलब है कि फिल्म लव आजकल के दौरान को स्टार यानी कि कार्तिक आर्यन के साथ सारा अली खान के अफेयर की खबरें आई थी। हालांकि दोनों ने कभी इस बात पर बात नहीं की। फिर दोनों के ब्रेकअप की खबरें सामने आई। वर्क फ्रंट की बात करें तो सारा अली खान गैसलाइट, ए वतन मेरे वतन, मर्डर मुबारक जैसी फिल्मों के साथ जगन शक्ति और लक्ष्मण उत्रेकर की फिल्म में काम करती हुई नजर आने वाली है। तो इसी तरह की एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के साथ।